अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मूसा खालिद है। मैं एक मंस्टैक डेवलपर हूँ, साथ नेक्स्ट जेएस 13 पर भी स्पेशलिटीज़ हैं, 2 साल का वर्डप्रेस पे भी एक्सपीरियंस है। आज मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन मैं आपको 2 से 3 ही दिखा पाऊँगा टाइम की वजह से। तो ये जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है, ये एक AI इमेज जनरेशन ऐप है जो OpenAI की API को यूज़ करके बनाया है। ये हम इसके क्रिएट के बटन पर जाएंगे, इधर यूज़र का नाम लिखेंगे इनपुट फील्ड में, ठीक है। इधर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये हमें वो इमेज जनरेट करके देगा। इसके बैक एंड पे जेंस यूज़ हो रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फील्ड है, जनरेटिव आर्टिफिशियल नेटवर्क, जिसमें 2 मेन फीचर है, एक जनरेशन यूज़ होती है और एक डिस्क्रिमिनेटर यूज़ होता है। जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो चेक करता है कि इमेज फेक है या रियल है, और जो जनरेशन होती है वो इमेज को जनरेट करके यूज़र को प्रोवाइड करती है। और ये टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज है, ये इससे पहले वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम शेयर विद कम्युनिटी पर करेंगे तो ये हमारे होम पेज पे इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, ये भी मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने रिएक्ट जेएस को यूज़ किया, साथ MongoDB को यूज़ किया। जो इमेज स्टोर हो रही हैं वो क्लाउडिनरी पर हो रही हैं, और इसके साथ मैंने फाइल सेवर का नोड पैकेज मैनेजर का फंक्शन है जो इस इमेज को इंस्टॉल भी कर दें। अभी हम इस वेब का ओवरव्यू करेंगे तो ये देख रहे हैं, ये एक बॉक्स शो हो रहा है जिसके अंदर जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था वो शो हो रहा है, साथ यूज़र का नेम जिसने ये इमेज क्रिएट किया। ये जो आइकन यूज़ हो रहा है फाइल डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज ये डाउनलोड हो जाएगी। ये इमेज क्लाउडिनरी पर स्टोर हो जाती है, और बैकएंड पे इसके MongoDB यूज़ किया गया है। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है जो मैंने पैनावर्स, एक कंपनी है जो पाकिस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही है स्टूडेंट को ट्रेन करने में Web3 पर एंड ब्लॉकचेन पर। तो उसके लिए ये मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की है, मैं उनके साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। ये उनकी सिलेबस की वेबसाइट है जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। ये अभी वर्सल पे मैंने डिप्लॉय किया, ये प्रोजेक्ट उन्हें सबमिट करवाया ऑप्सो, वो 1 से 2 मंथ के अंदर, क्योंकि उन्हें 5 से 6 और भी डेमोस गए हुए हैं तो उसमें से एक को वो डिप्लॉय करेंगे। नहीं, सॉलिडिटी पे अभी काम नहीं किया, सॉलिडिटी पे इंशाल्लाह 3 मंथ के बाद जाएंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हैं। अभी हमने हेडलेस UI स्टार्ट किया जिस पे काम कर रहे हैं, और बैक एंड पे हम सैनिटी CMS को यूज़ कर रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि मस्टैक एक रिलायबल नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजेस, इसलिए हमने नेक्स्ट जेएस को चूज़ किया, क्योंकि वो सर्वर साइड रेंडरिंग और SSD भी हमें प्रोवाइड करता है, और हमें बार बार ज़्यादा फोल्डर्स वगैरह भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये फाइल बेस्ड राउटिंग भी करता है जिससे हमारी टाइम की काफ़ी सेविंग हो जाती है। और अब 2 दिन पहले ही नेक्स्ट जेएस 13.2 का वर्जन आ गया, जिसने और भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसमें फोल्डर स्ट्रक्चर उनका पहले से भी ज़्यादा बेस्ट हो गया। और इसमें मैंने साथ चक्रा UI यूज़ किया, जो एक प्रॉप बेस्ड UI है, जिसके साथ हम कंपोनेंट बेस्ड प्रॉप्स लगाते हैं, और ये वेबसाइट ये फुली रिस्पॉन्सिव है, ये आप देख सकते हैं। ये बाकी मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरी GitHub की वेबसाइट पे पड़े हैं, मेरे 25 प्रोजेक्ट्स और हैं जो GitHub पे ही डिप्लॉयड हैं। इसके लिंक आप इनको अगर क्लोन भी करना चाहे तो कर सकते हैं, सारा कोड पर आगे। ज़्यादातर मैंने Tailwind CSS चक्रा UI पे काम किया, और सारे XJS 13 पर, और जो हम बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं वो सैनिटी CMS है। अभी मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो 2 से 3 दिन में मैं डिप्लॉय करूँगा। टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के नाम से डोमेन है, अपनी एक एजेंसी स्टार्ट किया जिस पे कस्टमर लिया करेंगे वेब डेवलपमेंट के, UI UX डिजाइनिंग के। जो मेरा एक्सपीरियंस है PNY पे बहुत बेहतरीन रहा, मैंने यहाँ से मस्टैक का कोर्स किया। थैंक यू PNY।